हेलो भाई, दो गरीब भाई अरुण पवार और आकाश पवार इंडरी गांव से आपके साथ जुड़े हुए हैं। एक ऐसी दरखास्त लेके आए हैं आप सबके सामने कि हम आपको थोड़ा संघर्ष दिखाना चाहते हैं गांव की जिंदगी की। देख रहे हो भाई? भाई ऐसी वीडियो तक पिछले साल ही तो बनाई है सेम वीडियो। यही तो हम हर साल सोचते हैं कि चलो इस बार सरकार इम्प्रूव करेगी, इस बार सरकार इम्प्रूव करेगी, कुछ पर अच्छे सरकार लोग ही हमको आएंगे, इम्प्रूव ना कर रहे हैं। कुछ अच्छे लोग आएंगे। लेकिन भाई ये लोगों को ना ये पड़ी कोई किसी घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी हो सकती है, किसी घर में छोटे बच्चे हो सकते हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं। भाई आज 2023 में हम लोग जी रहे हैं। हरियाणा में सबसे पहले हर गांव में लाइट आई थी, सबसे पहले हरियाणा में। और आज अगर देखो तो भाई हमारा गांव इतना सड़ा हुआ है। आप इधर दिखाओ एक बार ना भाई, इधर दिखाओ भाई, ये देखो मौसम इतना कुछ खराब बिगड़ा नहीं हुआ। रात को हल्की सी, मतलब हल्की कुछ सी, ना एक हल्के से हल्की सी आंधी आंधी भी क्या कहोगे, हल्की हवा सी चली। तेज हवा चल गई थी भाई। कोई बारिश नहीं, कोई कुछ नहीं। बारिश होती तो आप देख रहे हो धरती कोई गीली मिलती है आपको, कुछ टैल टूल गीली और अगर मिलती। आंधी भी आके तो धूल ही धूल भूसी ना रहे तो पूरे चौक में। कल की 6 बजे की गई शाम की, हाँ कल 6 बजे की लाइट गई है भाई। तारीख बता। सोलह सोलह घंटे हो चुके सत्ताईस हैं, तारीख को 16 घंटे हो चुके हैं लाइट नहीं रहती हमारे गांव में। और अभी तो पता नहीं कितना खींचेगी, कोई आइडिया नहीं। ये बिजली विभाग में ऐसे कहते हैं कि नाइट शिफ्ट में हमारे कोई काम नहीं होता, डे शिफ्ट में होता है। डे शिफ्ट हमारी 10 बजे से शुरू होती है तो हम 10 बजे वहां आएंगे, उसके बाद में निकलेंगे ढूंढने के लिए कि कहाँ तार टूटे हैं, कहाँ तार हुए हैं। उसके बाद में शाम तक इनकी वो टेस्टिंग चलती है, फिर आज शाम को बिजली ये देखेंगे। मतलब भाई नाइट शिफ्ट वाला कोई सिस्टम ही नहीं है इतना इनका। हमारा तो सिर दर्द है। रात को लाइट 6 बजे शहर में यहीं कहीं तार अगर इतने से भी है जाए तो वहां तो नाइट शिफ्ट है, वहां तो भी करने ही आ जाए, पर गांव में कोई नाइट शिफ्ट नहीं है। भाई आपको दिख रहा होगा हमारी आंखों से, हमारा बोल से कितने दर्द है। रोज क्यों चेकिंग वाले तो जरूर आ जाए, घुसते आए हैं गांव में चेकिंग करने के लिए, चालान काटने के लिए, डेढ़ डेढ़ दो दो लाख रुपया को नहीं काट के चले जाए कहीं को भी। लाइट रहने के चेकिंग इन पर करने ना आए है, गांव में। ज्यादा दिन चेकिंग करने आ में वाले पूरे दिन लाइट रहे पूरे हाँ दिन। वाले पूरे दिन और अब रहे। जरूरत है गर्मी को मौसम आगो, सर्दी में पूरे टाइम लाइट आवे है। बिजली कट भाई कल की छह ठीक बजे है। शाम की बिजली गई है। और अब तुम लोग कहोगे कि इतने गरीब हो इन्वर्टर धरवा लो। अरे भाई इन्वर्टर भी धरवा आके दो दो इन्वर्टर अलग रखवा रखे, आपको यकीन नहीं होता अभी एक मैं दिखा एक देता कमरे हूँ। को घर ना आ जाओ, एक ही पंखा चलता हो ठीक है ना, लाइट भी चल रहा है, तीन तीन कमरे हैं, तीन तीन कमरे में पंखा भी चले एक रहे। बिल्कुल अभी मैं दिखा देता हूँ, इतने गरीब नहीं है भाई कि इन्वर्टर का भी होता नहीं है। ऐसे दो दो गाड़ी है अपने पास, लेकिन भाई कुछ वो कुछ सिस्टम होता है ना, ये देखना दो दो इन्वर्टर है हमारे पास। लेकिन देखो दोनों बोले पड़े हैं, बड़ी बड़ी बैटरी धरवा रखी है। अब भाई तीन जब हमें रिंगे हमें का नहीं पता रहे कि भाई कते लाइट ही ना आएगी। देखो ये किचन विचन में महिलाएं किस तरीके से काम करना पड़ रहा है यार, इनको कोई मतलब वो दया ही नहीं आती भाई लोगों पे कि आज इतने टाइम हो गया है 2023 में हम लोग जी रहे हैं, कोई लाइट नहीं मिलेगी भाई कहीं भी आपको। इन्वर्टर बिल्कुल नील हो चुके हैं, इतना संघर्ष है ना। देखो कमरों में अंधेरा छाया हुआ है, और ऐसा नहीं भाई, देखो मैं लाइट यहाँ पे जला रहा हूँ, स्विच बोर्ड है यहाँ पे, कुछ नहीं चल रहा है। अब बताओ यार, ये मेवात हरियाणा, हरियाणा का एरिया है भाई ये इंडरी गांव। यहाँ पे मतलब बिजली का तो हरियाणा में इतना गंदा वो है सिस्टम, इतना गंदा सिस्टम है, इनको बहाना चाहिए। हल्का सा हवा चलेगी, हल्की सी हवा आ गई, घर में नई बहू आ रखी है। अब नई बहू का पहला ये गर्मियों का महीना है, तो वो बेचारी भी रात भर परेशान है ठीक है। वो ये कह रही है कि यार कैसो गांव है, आर यू, वो कह रही है वो शहर से है भाई, पलवल से। पलवल में हमेशा मौज रहती है बिजली की, 24 घंटे लाइट आती है। अब वो कह रही है, मैंने कहा उसको सुबह सुबह कि 4-5 महीने यहाँ ऐसा ही रहेगा। भाभी आपको क्या शादी से पहले ऐसे पता था कि ऐसा होगा आपके साथ? बाय बाय मैं घर जा। अगर आपको ऐसे पता होता कि इंटर इतना सड़ा हुआ गांव है, ऐसे बिजली के मामले में इतनी गंदी मैनेजमेंट है, तो आप शादी करती क्या? आकाश पवार चलो चलो जाइए तो देखने के लिए आए जाओ, जाने सबसे पहले तो कहा से मुझे ये आओ। भैया ने बोला था कि आपको गांव में रहने कंफर्टेबल। हाँ मैंने सबसे भाई मुझे पता भाई, मैं जब गया था देखने तो मैंने तो भाभी से एक क्वेश्चन ये किया था, आप गांव में कंफर्टेबली रह लोगे? क्योंकि मेरे को पता है भाई यहाँ का इतना बुरा राग है ना, गर्मी गर्मी मैं तो अपनी गाड़ी में एसी चला के सोता हूँ, पीछे अपना कम्बल तकिया डाल के। अब अच्छा अच्छा रुक जा भाई, देखो कुत्ते भी हैं बिल्ली भी हैं, इनको भी बिजली पंखा चाहिए होता है।
हाँ, इसको खैर बिजली से मतलब नहीं है। हमारा नया दोस्त आया है, बताओ फार्म पे रहता है भाई, कैसा लग रहा है? हमारे राजस्थान में भी इतना बुरा हाल है कि बिजली का इतना बुरा हाल नहीं होगा ना, आ जाती होगी। दो घंटे में। और भाई एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, मतलब शहरों में आकर कम से कम नहीं होता है कि भाई फोन नंबर रहता है, उस पर डायल करके आप पूछ सकते हो कि भाई कब तक आएगी, कितना यहाँ पे। वो तो हाल की बीजू की बारिश है, देखना भाभी आपने बारिश ही ना देखी एंट्री काम की। यहाँ तो अगर तुम कंप्लेन करने के लिए कहेगा तो बोलेंगे तुमने लास्ट बिल कब भरा था बताओ। सबसे पहले ऐसे पूछ लेते हैं अपना बिल नंबर बताओ। हाँ, क्या कुछ करो यार, सरकार वालों कुछ करो भाई, DSBVN वालों, दक्षिण हरियाणा विभाग कुछ करो भाई। अब 11 बज गया हल्के हल्की, ओ कितनी गहरी बारिश, देखो भाई बारिश कल जाएंगे, अब इस बारिश का बहाना लगा देंगे। और अब गई और गई 12-13 घंटा की, अब और गई, अब अगले कल ग्वालियर निकल जाएंगे। हाँ भाई, मैं हम तो दुखी हो गए, आपने कितनी बार देखा होगा जब बिजली नहीं आती है। भाभी कह रही मुझे भी ले चलो। मतलब आपने देखा होगा जब बिजली नहीं आती भाई, हम कहीं ना कहीं चले जाते हैं, जो हमें पता है अपने गांव का 2-3 दिन के लिए। मतलब भाई पता है ना यहाँ पे क्या इतना बुरा, ना तो वाईफाई चलेगा क्योंकि वो बिजली से चलता है भाई, ना वाईफाई चलेगा, ना नेट चलेगा, ना पंखा चलेगा, मोबाइल नेट भाग जाते हैं, जनरेटर बंद करते हैं, टावर वाले जियो रेट हाँ, टावर नहीं आते, जनरेटर बंद कर देते हैं। और भाई यह पहाड़ है तो उसकी वजह से और ज्यादा हीट आती है, वो ज्यादा सलग वो होती है, सलगता है ना तो ज्यादा हीट बनती है। मतलब इन लोगों को भगवान, अब हम अपने गांव को छोड़ के भी तो जाए कहाँ, हमारी जमीन है यहीं पे, हमारा किसान का काम है, हमारा कारोबार है, हम कहाँ जाए, हम शहर में, हमारी देखना इधर दिखाओ विनोद भाई, हमारी भैंसे यहीं पे, हमारे कुत्ते बिल्ली यहीं पे, हम क्या करते हैं, चूल्हे बूल्हे इन्हें ढकते हैं, कहाँ जाए, कौन सा शहर जाए, पलवल पलवल दोबारा जाए क्या, लेकिन वहां पे भी तो फिर ढकते हैं दूध गरम है भाई। मेरा कई बार तो ऐसा मन करता है यार ये गांव रहने लायक ना है। चलो घोटिया की दादी गुजर गई है तो उन्हें वहाँ पे चलते हैं, चलें है। चलें चलो भाई जब भी आ गए यहाँ, पर उनको तो धर्मशाला में काम तो ओपन में हो और बारिश पे बहो तो उनकी हेड है ना, वो तो ओपन अप करेंगे, मैंने तो जमुना जी की कचौरी खाएंगे। पर भाई ये इंड्री गांव रहने लायक नहीं है, अगर कोई यहाँ शिफ्ट होने की सोच रहा हो, कोई बिहार से कोई भाई देख रहा हो, लेबरर की मैं कह रहा हूँ, वैसे तो कौन ही आता है, तो इस गांव में भाई बिल्कुल मत आना। ओ, हमने जो क्वार्टर बनाए उनमें कौन आएगा, ऐसे मत बोले। अरे, 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 आपको क्या कहना है इस गंदे से गांव के बारे में, गांव बतेरा बढ़िया, कर्मचारी उनकी गलती है जो बिजली ना आता है, ऐसे कैसे आपको, आपको अगर 28 साल पहले पता होता कि गांव में लाइट नहीं आती तो आप क्या हमारे डैड से शादी करती? हाँ करती। तो देखो, और मम्मी अब देखो आप दोनों कह रही हो करती, उन्हें कह रही कि नहीं मैं तो कतई नहीं करती, भाभी ये कह रही मैं तो नहीं करती, देख लो। और करती ना भैया, बिजली वाले की कर्मचारी करती है कतई, आंधी आई ने तूफान आई बिजली काट कर बैठे, एक पत्ता भी ना हालो भाई। भाई कल के हमारे घर में कोई बाल बच्चों आ गया, मगर चाचू बन गए अगर गलती थे सॉरी बन गए अगर भाई, बन गया अगर नहीं बन गए, अरे रुक जाओ ना, क्या है भाई, हम कैसे अपने बच्चे को संभालेंगे यार, हम अपने बच्चे को प्यार कैसे करेंगे, तो गर्मी में मर जाएगा वो, कहेंगे चाचू चाचू, साइलेंट वाला जनरेटर, पैसे भी तो होने चाहिए जनरेटर के लिए, सरकार को सुन, जनरेटर थे ऐसा तो इधर पंखा चल जाएगा, तो एसी ना चल, अरे एक अल्लाह जब चाचू बजेंगे फिर तो मौज कर देंगे, फिर तो हमें इंद्रगांव में ऐसे मतलब लाइट वाइट होना हो, लेकिन छपरी बहुत है ऐसे, इस बात में कोई दो राय नहीं है, अपने गांव की बुराई ना करे करे भावरे, हम तो करेंगे मम्मा, कोई मतलब है, मतलब कहाँ है, घोड़ों के गांव है हमारे मामा का, ओडर इधर बैकवर्ड गांव है, 24 घंटे लाइट रहे, चाहे आंधी है चाहे तूफान है चाहे ओरा पड़ जा, लट्ठा बेसक लट्ठा उकर के गिर जाए बेसक, हमेशा लाइट है, पाए हो जा चेक कर का कौन लट्ठा टूट रहे कहां हो है, रोज ऐसे कर पलवल में हमारे घर तो हवा में शिफ्ट हो रहे, पलवल चले जा, चल मैं इस वीडियो को भी भाई कैसे अपलोड करूंगा, वाईफाई नहीं है, सोच के देखो कितना मेरे जीवन में दुख है, पलवल बसंत बिहार कोई नहीं, एक बार हम चाचू बन जाएंगे फिर तो चमो सोलर लगवाना पड़े भाई, 10 लाख रुपया को चमो या साइलेंट जनरेटर रखवाना पड़े, पहले नौकर मैं देवर बन जाऊं जब करूंगा, अब चाचू बन जाऊं जब करूंगा, ना
भाई 10 लाख रुपए और इन्वेस्टमेंट सही। 10 लाख तो जनरेटर लगा है कोई। अरे सोलर लगवा दूंगा, ठुकवा दूंगा 10 लाख को। अब जब धूप रहने के लिए सोलर ही कहाँ कर लेगा, पंखा तो चला जाएगा। जनरेटर सस्ता सबसे सही जो, चलो कुछ तो करेंगे भाई, लेकिन बिजली वालों के भरोसे कभी नहीं रहेंगे। अब टेक्नोलॉजी इतनी ऊपर पहुंच चुकी है, ये बन चुके अपने मन में खौफ, इनका कोई खौफ नहीं बचा है इनका, और ये अपने मन में बहुत बड़े दादा बन चुके हैं भाई। डीएसवी वाला थोड़ा शर्माओ यार, थोड़ा शर्मा लो थोड़ा। साढ़े में 24 घंटा बिजली दे, जब यूसेज ना रहे जब तक 24। किसी को इतना किसी का फायदा मत उठाओ, कर्म एग्जिस्ट फल सबको इसी 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 अपने इसमें जन्म में सबको अपना भुगतना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। जो तुम तड़पा रहे हो इस नई नई बहुओं को गर्मी में मार रहे हो, तुमको इसी जन्म में कोई अपना कोई ऊपर नहीं भुगतेगा भाई, इसी जन्म में सबको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तड़प रही है क्या?